तो फ्रेंड्स, आज की फ़ोटो एडिटिंग हम करने वाले कुछ इस टाइप के, जैसे कि आपने देखा ही होगा विजय महर जी ने ये फ़ोटो पोस्ट किया था, मतलब बहुत ही बढ़िया एडिटिंग है। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहिए, मैं वादा करता हूँ कि आपको 3 स्टेप में ये फ़ोटो एडिटिंग आने लगेगी। ओके गाइस, क्योंकि 3 स्टेप आपको बताऊँगा, ये फ़ोटो आप एकदम सेम ऐसे एडिट कर सकते हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, और देन गाइस आपको पोज कुछ इस टाइप से शूट करा लेना। ओके, मतलब कि पोज आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप से शूट करा लीजिएगा हाफ फोटो, ठीक है। एंड गाइस मैं आगे का स्टेप आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की एडिटिंग होने वाली है कुछ इस बैकग्राउंड, मतलब कि वाइट बैकग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड एंड PNG की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो ज़्यादा आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको शेयर कर लेना होगा इसे PicArt में। ओके, तो मैं इसे शेयर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं PicArt में आ चुका हूँ, तो मैं आगे के स्टेप आपको बताता हूँ। ओके, तो देन गाइस यहाँ से आपको ऐड फोटो पे जाना होगा, ठीक है, और अपने कटआउट को ले आना होगा। ओके गाइस, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अपने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर रखा, अगर आपको नहीं आता है HD क्वालिटी में कैसे रिमूव करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिलेगी, तो वो वीडियो देख के आप कर लीजिएगा। ओके, देन गाइस आपको ऐसा बड़ा करके एडजस्ट कर देना होगा, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कर लीजिएगा डन, ठीक है। एंड गाइस डन करने के बाद फिर आप ऐड फोटो पर जाइएगा, ठीक है, और ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको ये PNG मिलेगी, ठीक है, तो ये PNG आप ले आइएगा। ओके, देन गाइस आपको कुछ नहीं करना है गाइस, ऐसे बड़ा करके यू इस टाइप से आपको एडजस्ट कर देना हूँ, मैं आपको बता दूँ। देन गाइस आपको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यार, आप कुछ इस टाइप से मॉडल अगर शूट कराएंगे, इतनी हाफ फोटो आप शूट कराएंगे ना, तो फ्रेंड्स में PNG कुछ सब कुछ एकदम मतलब फिट टाइप में ऐड हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा इसी टाइप का पोज हो, तो PNG जो होगी ना, तो एकदम करेक्ट आपके चेहरे पे फेस पर वैसे ही मैच हो जाएगी। ओके, तो ये काम होने के बाद गाइस यहाँ से कर लीजिएगा डन, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कर लीजिएगा डन, ठीक है। एंड गाइस डन करने के बाद आप देख ही सकते हैं, मतलब कि ये जो लाइन सी आ रही है ना, मतलब ये मेरे से रह गया, तो मैं इसे कर लेता हूँ क्रॉप, ठीक है, नहीं बहुत ही बेकार लगेगा, तो इतना कर लेता हूँ क्रॉप, ठीक है। देन गाइस क्रॉप करने के बाद फिर क्या करना होगा, आपको जाना होगा ऐड फोटो पे, ठीक है, तो आपको एक PNG लानी होगी। ओके, तो मैं वो PNG ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं वो PNG ले आया हूँ वाइड वाली, तो ये PNG की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, देन गाइस यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा स्क्रीन, ठीक है, और स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ यहाँ ऐसे एडजस्ट कर देना होगा, ठीक है, तो इससे बहुत ही रियलिटी लुक आ जाएगा। ओके, और जोन जी वाइड वाइट सा डब्बा टाइप में आ रहा, तो इसे कर लीजिएगा इरीज। ओके, देन गाइस यहाँ से कर लीजिएगा डन, ठीक है, और डन करने के बाद इस पर टच करिएगा। देन गाइस इसको ओपासिटी आप कम कर दीजिएगा। ओके, देन गाइस इसी पर टच करिएगा और इसकी एक डुप्लीकेट निकाल लीजिए। ओके, तो यहाँ से ऐसे लगा दीजिएगा यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं करना, सीधे डन कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको करना क्या होगा, फ्रेंड्स यार यहाँ से आप जाइएगा ड्रॉ टूल्स पे, ठीक है, और ड्रॉ टूल्स पे जाने के बाद 3 डॉट पे जाके फोटो को कर लीजिएगा सेव इमेज। तो फ्रेंड्स यार, आज की एडिटिंग में हम लाइट रूम से कोई रिटचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फ़ोटो हमारी एकदम बढ़िया तरीके से PicArt में एडिट हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यार, अगर मेरी वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो यार प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि PNG बनाने में बहुत टाइम लग गया। तो फ्रेंड्स यार, इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स सच में बहुत टाइम लग गया, तो चलते हैं यहीं वीडियो को स्टॉप करें।